अच्छे से साफ करें। गाइस मैंने ना नेल्सन को सुबह ऐसे ही जब मैं उठी हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे घर पे दावत है हेजल की, क्योंकि आज हेजल जो है 1.25 महीने की हो गई है। गाइस आप सपोर्ट क्यों नहीं करते मेरी वीडियोस पे, मुझे नहीं पता चलता कि आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते, मेरी वीडियोस पे क्यों नहीं लाइक करते, मेरी वीडियोस वायरल क्यों नहीं हो रही, और मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे जो है सब्सक्राइबर इतने कम क्यों हैं। गाइस आप मेरी वीडियोस पे कमेंट क्यों नहीं करते? आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही तो मुझे गाइड करें, मैं किस टाइप की वीडियोस बनाऊं, आपके पास लेकर आऊं, मैं किस टाइप के जो है व्लॉगिंग करूं, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मुझे आइडिया दे सकते हैं आप, क्योंकि मैं अभी जो है बिगिनर हूं, तो इतना प्रोफेशनल नहीं हूं, तो अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भी माजरत। अभी दोपहर के जो है 4 बज रहे हैं, आपको मैं अगर टाइम दिखा दूं तो दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो मैं अभी जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर पाया हूं, क्योंकि जो है मैं सुबह से जो अपने वाइफ के साथ ग्रैंड सफाई में लगा हुआ था। मुझे पता है काफ़ी लोग मुझे बैठ कमेंट करेंगे कि लड़का हो के जो है सफाइयाँ करता है। गाइस आप मुझे बताइएगा, क्या वाइफ की हेल्प करना गुनाह है? क्या वाइफ की हेल्प करना बुरी बात है? क्या वाइफ के साथ हेल्प नहीं करा सकते आप? घर के काम नहीं कर सकते? झाड़ू नहीं मार सकते? पोछा नहीं मार सकते? क्या ये गुनाह है? वाइफ की तबीयत ना ठीक हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए, अपनी वाइफ के साथ प्रॉपर हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो बर्तन हो, झाड़ू हो, पोछा हो, डस्टिंग हो, सब। तो गाइज अपनी वाइफ के जो है पूरे काम करता हूँ, जब मेरी ऑफ होती है या मैं फ्री होता हूँ तो मैं ज़्यादातर जो है अपनी वाइफ की हेल्प करता हूँ, अपनी वाइफ का साथ देता हूँ। तो मैं ज़्यादा फोर्सली नहीं उन पे करता कि भाई मुझे ये कर दो, वो कर दो, या ये गंदा हो रहा है, ये वो, मैं खुद भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। गाइस आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है हम सेलिब्रेशन करेंगे 1.25 महीने की हेजल की। जो मैंने, अगर किसी को नहीं पता कि हेजल कौन है तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकता है, मैंने इंट्रोडक्शन करवाया हुआ है कि हेजल कौन है। और अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे या वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे तो मुझे ना कहिएगा कि आप व्लॉगिंग अच्छी नहीं करते, क्योंकि मैं जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें लास्ट में लाता हूँ या मिड में लाता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो है सिर्फ मैं बोलता हूँ या इंट्रो अपना करवाता हूँ, क्योंकि जो न्यू मेरे लिए व्यूवर्स आते हैं तो उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं व्लॉगिंग कैसे करता हूँ। तो मैं अपना इंट्रो देने के लिए स्टार्टिंग में आपसे बातें करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे, गौर देंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। गाइस आज फाइनली शुक्र है गैस आ रहा है, और हमने जो है अभी मैंने अपनी बेगम को भेजा हुआ है किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं चाय का कितना शौकीन हूँ, तो मैं दिन में 5-5 बार चाय पीता हूँ। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी तरह कोई शौकीन है चाय का। गाइस अभी जो है मेरे 2-3 और काम हैं, मैंने शूज़ भी अपने वॉश करने हैं, थोड़े से अपने कपड़े हैं वो धोने हैं, क्योंकि जो है मेरी बेगम की थोड़ी तबीयत डाउन है, तो इस वजह से मैंने वैसे भी आज ऑफ की है, तो मैंने बेगम को आज छुट्टी दी है। गाइस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अगर कोई स्किप करेगा तो ना बोलिएगा कि भाई व्लॉगिंग अच्छी नहीं करता। भाइयों दिल से शुक्र गुज़ार हूँ मैं, दिल से थैंक्स करता हूँ कि जो जो मुझे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, जो जो फैमिलीज़ मुझे सपोर्ट कर रही हैं, जो जो मेरे व्लॉग्स को देखते हैं डेली, उनके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ उनको। इसी तरह भाई को सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आपका भाई जो है कामयाब हो जाए। गाइस मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ एक नया ट्राइपॉड, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून पैदा हो रहा है, जज्बा पैदा हो रहा है व्लॉगिंग करने का, आपकी वजह से, क्योंकि आप अपने अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने भाई को अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है अपने भाइयों को भी अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाने का, अच्छे अच्छे व्लॉग्स दिखाने का। तो इस वजह से मैंने सोचा है क्यों ना एक नया ट्राइपॉड लिया जाए। गाइस मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा,
बहुत मजा आने वाला है आज के व्लॉग में। मैं आपको भी एक चीज दिखाता हूँ गाइस, ये टीवी चल रही है, इसके अंदर फनी क्लिप्स हैं, फनी मीम्स जो होते हैं, फनी मीम्स पता है कौन देख रहा है, ये सो चुकी है, ये देखें। ऐसा अगर किसी को बहुत ज्यादा नींद आ सकती है ना, तो वो जैसे मर्जी सो सकता है, ये मेरी गारंटी है। आप ये देखें, ये बैठी बैठी सो ए बुग्गे सोरे सोरे ए बैठी बैठी सो रही है। ये देखे गाइस, ये देखे मीम से देखते देखते कल्टी टाइम देखे, आप टाइम देखे, दोपहर के 4 बज रहे हैं, मैडम उठी भी 12 बजे और दोबारा सो गई। ए वाह, हद होती है, उठाने की कोशिश करता हूं। बेगम 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 सोने 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 ए बुग्गे सोने वीडियो देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। व्यूअर्स, अभी मैं अपनी वाइफ को लेकर जो है बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि वाइफ ने अपना जो है दुपट्टा पीको करवाना था, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेजल का। ओ हो, चलो भी देख रहे हो, काम देख रहे हो। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हेजल का आज 1.25 महीने की दावत है, तो हम लोग जा रहे हैं गाइस पीक को करवाने दुपट्टे को, और साथ में कुछ और भी चीज़ें लेनी है, वो आपको हम बताएंगे आगे। तो आप हमारे पूरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पीक को करवाने, तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो में प्लीज़। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था, आपको कहा था कि आज जो है मेरे 2-3 काम हैं, क्योंकि बेगम की जो है तबीयत ख़राब है, तो आप ज़रूर बेगम को दुआओं में मेरे याद रखिएगा। तो अभी मैं धोने लगा हूँ कपड़े, तो क्या करूँ यार, धोने पड़ते हैं। ये देखो, ये जो है मैं वॉशरूम के टप में पानी भर रहा हूँ, और मेरे ये कपड़े हैं, तो मेरे थोड़े से कपड़े थे बस। बेगम तो जी, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ, लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो, ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। गाइस, अभी दोनों तो पढ़ेंगे। तो कब्र हो रहा हूँ यार, ऐसे ना क्या करूँ, मैं भी तो पूरा दिन सारे घर के काम करती हूँ। मैं कब्र हो रहा हूँ, मेरे को लग रहा आप रो रहे हो। गाइस, अब तो अपने भाई का ख्याल करें। से साफ करें गाइस, मैंने ना नेल्सन को सुबह ऐसे ही उठ के मैं उठी, तो मैंने इसको ऐसे ही बोला कि मेरी तबीयत नहीं सही, तो बेचारे से मैं सुबह से काम करवा रही हूँ, कभी कपड़े धुलवा रही हूँ, अब डस्टिंग करवा रही हूँ। हाँ, अच्छे से करें। हाँ यार, टाइम थोड़ा सा देख के, अब गुड हो गया, शाबाश, जल्दी से अभी कपड़े भी आपने तैयार करके रखने हैं कपड़े। गुस्से में वैसे आप आके ना बहुत जल्दी काम खत्म कर लेते, इतना मेरे को पता है। गुड, वेरी गुड, इतना क्लीन आप करते हैं। वैसे आपकी मेरे डस्टिंग बहुत पसंद है, आपको पता है ना मुझे डस्टिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे एलर्जी है मिट्टी से। वेरी गुड,
वेरी गुड, अच्छे से साफ करें, रखी हुई है। तो आप रो क्यों रही हो? गैस बहुत स्लो आ रहा है। वेरी गुड, अच्छे से साफ करें। बात ऐसा हेजल की आज बड़ी दावत की खुशी में आप इतनी अच्छी सफाई कर रहे हो। आज रोज हम दावत रखे और आप रोज सफाई करें। वेरी गुड बात ऐसा, आप बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छी आप टेस्टिंग करते हैं। लाइफ प्लीज आप इसका गलत मतलब नहीं समझिएगा, क्योंकि जब हमारी शादी होती है तब दोनों ने मिलकर कसम खाई होती है एक दूसरे के साथ साथ देंगे। तो अगर आज मेरी तबीयत सही नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड काम कर रहे हैं, काम करना बुरी बात नहीं होती, ये वाइफ की हेल्प करना होता है। जो लोग बुरा समझते ना प्लीज अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि वाइफ की हेल्प करना बुरी बात नहीं। देखे नेल्सन की वजह से भी चाय गिर गई है, आज ही चाय पी ले। अभी मेहमान आ रहे हैं हेजल के लिए, क्योंकि आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेजल का जो है आज हमने सवा महीना करना है, बड़ी दावत है, तो मेहमान आ रहे हैं। देखिए मैं अभी तैयार हो गया हूँ, रेडी हो गया हूँ, और ये मेरी बेगम भी तैयार हो गई है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं थोड़ा कैजुअल से तैयार हुई हूँ, क्योंकि घर पे तो प्रोग्राम, क्योंकि घर का प्रोग्राम है इसलिए। लेकिन आप मेरे को बताइएगा मैं कैसी रह रही हूँ। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। गाइस मैं कोशिश करूंगा जी मेहमानों से आपको मिलवाया जाए, और कुछ मेहमान जो हैं ऐसे होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आना पसंद करते हैं, काफ़ी शाये करते हैं, तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको कंफर्म नहीं बोलना, कोशिश करूंगा अगर मैं कर सका मैं तो करूंगा, लेकिन वो जो है ना कैमरे के सामने नहीं आना पसंद करेंगे। तो इस वजह से गाइस मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा। तो गाइस मैं अभी आपको एक मेहमान से मिलाता हूँ। हेलो, कैसे आप सब? बस इन्हीं हूँ। ये देखें फोटो, अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ तो फोटो सेशन जो है हम लोगों की शुरू हो गई। ये देखें ये चिक बना बना के जो फोटो खींची जा रही है। व्यूअर्स ये देखिए हमारे बच्चे कितना शोर कर रहे हैं। ये जो हमारी बाजी ने इसके बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली है, ये हमारी पुप्पो जी हैं, ये हमारी कैंडी है छोटी सी। कैंडी व्यूअर्स को हेलो बोलो। हेलो। ये हमारे सारे रिलेटिव्स हैं। रैबिट है, रैबिट से तो मिल रैबिट, ये हमारा रैबिट है, ये हमारी अम्मी जी है। व्यूअर्स ये हमारे देख भाले भाई हैं, किसी का भी इवेंट होता है ना तो यही सबको खाना सर्व करते हैं, जो अनितन भाई, और ये सब खाने का वेट कर रहे हैं हमें कब मिलेगा। और ये बच्चों का देखे कितनी मस्तियां कर रहे हैं। नेल्सन सब्र कर, जब मिल जाते खाना आपको लगता बहुत भूख, भाई आपको भी लगी भूख। और व्यूअर्स फाइनली स्नेहा को बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। सुबह का नाश्ता किया, बस सुबह का हम लोगों ने नाश्ता किया, बस खुशी में भूख नहीं थी तो प्यास को लगी, अभी लगी। काम घर के कामों में बहुत बिजी था हम लोग, कभी कपड़े कभी नीचे, और इसका मुँह देखो ऐसे जो इसने रोटी इतने दिनों से खाई नहीं है। व्यूअर्स ये देखिए हेजल का सामान। अच्छा बेटा वो वाला आपका सूट है ब्लू वाला, बहुत प्यारे हैं, ठीक है। ये हेजल की मासो लोग हैं, उसको गिफ्ट दे रही हैं। तुमने दे दी है वो भी शादीशुदा है। देख सकते हैं हमारे गेस्ट आ चुके हैं, जिस तरह आपको आपने श्रोना को बताया था, श्रोना ये देखो
हेलो कर दो। हेलो कैंडी, हेलो करो कैंडी दी मुठा मोड़ और ये मेरी सिस्टर है। हेलो गाइस, मेरे भाई के आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना बहुत सारा प्यार देना है। एक ये इनकी बेटी है, एक ये इनकी बेटी है और एक ये इनका बेटा है। हेलो करो। और ये तो आपको पता है कौन है, इसका तो मैंने आपको बड़ी बार बताया। ये जो मेरी सिस्टर है ये उनकी अम्मी है, अम्मी और देखेगी। और ये उनके हस्बैंड है। ले लिया और ये एक हमारी पप्पो है और ये भी मेरा भाई है, शॉर्मे वाला। ये भी मेरी पप्पो है और इनका तो आपको पता ही है। बिरयानी पे जोर दिया है मैडम ने। व्यूअर्स इनको देखें, चोरी चोरी खाना खा रहे हैं। जॉयल और चाहिए आपको चावल? नहीं थैंक यू सो मच। नहीं तेरी सेहत के मुताबिक तोड़ ले ले। ओ तीसरी खाए हैं। और भाई आपको चाहिए चावल? ले ले भाई अपना मुंह। आपकी कितनी प्लेट्स है? मुंह तो दिखाया जरा। चौथी प्लेट। ओह माय गॉड, नादिर अली देखे माशाल्लाह चार पेटे खा चुके और पांचवी शुरू की हुई है। जी का काल है। नेल्सन पापा के चैनल को लाइक करो ना। लाइक करवाला ये जो लाइक करवाला है, लाइक करो, लाइक करो। ये वाले हाथ से खर्चा नेल्सन पापा के चैनल को, वो कह रही लाइक नहीं करना। लाइक करो ये जो स्माइल करके दिखा दे, ये स्माइल करके दिखा दे ये जो। फाइनली हमारे गेस्ट चले गए हैं। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो लाइक कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। शेयर कर दें, शेयर कर दें, शेयर कर दें, जल्दी जल्दी शेयर कर दें। और कोई अगर नया आया है मेरे व्लॉग में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, तो मिलता हूँ एक नए अगले व्लॉग के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को रखें दुआओं में याद। हाफिज़।